और अब बारी है हमारे न्यूली लूडी डायमंड को सुनने की। सुनना चाहते हैं सभी? और उसमें भी जैसे बोला जाता है कि लेडीज फर्स्ट, तो अब हम इस सुनेंगे कि किस तरीके से मिस्टर रितु राठी जी ने क्या क्या सपोर्ट किया, क्या क्या काम किए और जिसकी वजह से आज डायमंड से अचीव कर पाए हैं। जानना चाहते हैं सभी? हेलो, तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मिसेज रितु राठी जी। जोरदार तालियां। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रितु राठी है और मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट रुड़की से बिलोंग करती हूं। और सम्मान पाकर सच बताऊं, आज मुझे दिल से बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। और थैंक यू। सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं, जिनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में आज यह शुभ दिन आया है। और धन्यवाद करना चाहती हूं मैं उन पांच महान डायरेक्टरों का, जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सब के लिए तैयार कर दिया है, जिस पे चलकर आज हर कोई यहां से डायमंड बन सकता है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने दोनों महागुरु जी मिस्टर हरि नारायण सर और मिस्टर सुधीर चौधरी सर का, जिनकी बातों को मान मान कर, जिनके बताए गए रास्ते पर चलकर आज हमें यहाँ इतना सम्मान मिल पा रहा है। इसलिए एक जोरदार तालियां हमारे गुरुजी लोगों के लिए। और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपनी दोनों गुरु माताओं का, जो फ्रंट लाइन में बैठी हुई हैं, जो मुझे हर वक्त बड़ी बहन की तरह सपोर्ट करती हैं। जब भी मैं मुझे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बड़ी बहन का रोल बिल्कुल दिल से अदा करती हैं और मेरी हर परेशानी का सोल्यूशन वहीं से बैठे बैठे दूर कर देते हैं। इसलिए एक जोरदार तालियां हमारी दोनों गुरु माताओं के लिए। और इन सब के बाद धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं इस हॉल में बैठी हुई अपनी वर्ल्ड की नंबर वन टीम का, जो आज इस हॉल में मौजूद है, जिसकी मेहनत, लगन और सच्चे प्रयास की वजह से आज हमारे जीवन में ये दिन आया है। इसलिए एक जोरदार तालियां इस हॉल में बैठी हुई टीम के लिए। थैंक यू। और अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सच्चे जीवन साथी, मेरे हम सफर। अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने जीवन साथी मिस्टर अमित कुमार राठी जी का, जिसने मेरा यह 4 साल पहले देखा हुआ सपना आज अपनी मेहनत, लगन और प्रयास से आज पूरा करके दिखाया। इसलिए थैंक यू सो मच राठी जी। चार साल पहले हमें भी है बिजनेस देखने का मौका मिला। शुरू में विश्वास नहीं होता कि क्या हमारे साथ दो लोग भी आएंगे, लेकिन जब लगातार हम चलते चले गए, बढ़ते चले गए, तो हमारे साथ आज यह पूरा कारवां इकट्ठा होता चला गया है। ये
सुनना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं डायमंड बनना? तो अमित राठी जी ने क्या करके दिखाया है, क्या अगर उस शब्दों को, उन विचारों को, उस नॉलेज को अगर ले लिया जाए और अपने जीवन में उतार लिया जाए तो इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स डायमंड बन सकता है, ऐसे नो? आपको यकीन है कि अगर मंत्र मिल जाए डायमंड बनने का तो मैं भी डायमंड बन सकता हूं? कितने लोग मुट्ठी बांधते हैं? तो मंत्र लेने के लिए तैयार हैं? तो आप लोगों की जोरदार ताली, दमदार म्यूजिक के साथ मैं माइक हैंड ओवर करता हूं आज के हीरो, न्यूली डायमंड लीडर, मिस्टर अमित राठी जी को। थैंक यू सो मच, सभी को मेरा नमस्कार, और जिन्होंने नमस्कार नहीं ली उन सभी को भी नमस्कार। दोस्तों, आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये डायमंड शिप, ये प्रोग्राम, ये मैंने बहुत देखे हैं मेरे दोस्त, और मैंने कभी इस डायमंड शिप को मिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे को दिल से चाहता था हमेशा। स्टार्टिंग में जैसे बहुत सारे भाइयों को आज सीट नहीं मिली होगी, यस और नो? इसी प्रकार मेरे दोस्त मुझको भी सीट नहीं मिलती थी स्टार्टिंग में, पीछे कहीं कॉर्नर में खड़ा रहता था, अपनी बारी का इंतजार करता रहता था, लोगों को देखता था यहाँ डायमंड बनते हुए, और दिल ही दिल लगता था यार ये डायमंड शिप जरूर लेनी है, यस और नो? ये डायमंड शिप जरूर लेनी है मेरे दोस्त। जैसा हम सोचते हैं वैसा ऊपर वाला हमारे लिए प्लानिंग कर देता है मेरे दोस्त, और मुझे जरूर इस डायमंड शिप तक पहुंचने के लिए 4.5 साल का समय लगा, लेकिन आज डायमंड बन गया, या सुन लो, या सुन लो। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की प्लानिंग करती है, यस और नो? दोस्तों, सबसे पहले इस डायमंड शिप को आज लेके इतनी क्या बताऊं मैं, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से प्यासे किसी व्यक्ति पे सावन की बहार आई हो। बहुत तरसाऊं मेरे दोस्त, बहुत दिल से चाहा है इसको, हमेशा दिन रात सुबह शाम एक ही ख्याल रहता था, डायमंड 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 डायमंड। हर वक्त मेरे दोस्त मेरे दिल की हर धड़कन डायमंड डायमंड पुकारती थी। क्या आप लोगों के दिल में है डायमंड? हो डायमंड बनना दोस्तों। अगर इसका मैं श्रेय देने की बात करूं तो सबसे पहला श्रेय जाता है हमारी इस ग्रेट संस्था के 5 महान डायरेक्टर्स को, क्योंकि मेरे दोस्त अमीर को अमीर बनाने के लाखों करोड़ों रास्ते हैं। अगर किसी पे पैसा है तो पैसे कमाने के दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, या सुनो, लेकिन किसी एक गरीब आदमी को मेरे दोस्त बिना कोई पैसा लगाए केवल 4 साल में करोड़पति कोई बनाती है तो वो सेफ सोप संस्था बनाती है मेरे दोस्त, सेफ सोप संस्था बनाती है। इतना बड़ा विजन था उनका कि उन्होंने सोचा कि यार इस इंडिया में करोड़पतियों की लाइन लगानी है तो कोई ऐसा ही प्लानिंग करके लानी पड़ेगी, और वाकई हम जैसे लोगों के लिए अगर यहां कोई सफलता का रास्ता है तो वो मेरे दोस्त सेफ सोप का है। इसीलिए मैं दिन रात सुबह शाम बार 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 इस ग्रेट सिस्टम को नमन करता हूं मेरे दोस्त, ग्रेट सिस्टम को नमन करता हूं। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हर अच्छे बुरे समय में जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे बिल्कुल रास्ता दिखाया, जिन्होंने मेरा पल पल साथ दिया इस संस्था में, वो है मेरे श्रीमान सुधीर चौधरी सर। मैं चाहूंगा सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली हो जाए मेरे दोस्त, ये तालियां काफी नहीं है मेरे दोस्त, सर के लिए जोरदार थैंक यू।
और फ्रंट लाइन में बैठे हुए जितने भी डायमंड हैं, जिन्होंने मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का, थैंक यू। और इस संस्था में अपने नाम का डंका बजाने वाले मेरे दोस्त, जिस तरह कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण भगवान ने खड़े होकर डांस किया था ना मेरे दोस्त, इसी प्रकार सेप चौप में अपने नाम का तांडव मचाने वाले महागुरु जी हरिनारायण चौधरी जी के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों, सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी वर्ल्ड की नंबर वन टीम, और इस टीम का एक एक टाइगर एक एक लाख के बराबर है मेरे दोस्त, एक एक लाख के बराबर है। मैं चाहूंगा इन सभी दमदार लीडर्स के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां मेरे दोस्त, सबसे जोरदार, थैंक यू। स्टार्टिंग में अपने परिचय से करना चाहूंगा, मेरा नाम अमित कुमार राठी है और पहले मैं आरपीएफ में नौकरी किया करता था इसलिए क्योंकि आज मैं फुल टाइम सेप सॉप करता हूं मेरे दोस्त, सेप सॉप करता हूं। दोस्तों, अगर मैं अपने थोड़ा सा पीछे जाके देखता हूं क्या था मैं और क्या बन गया हूं, थोड़ी सी बात मैं इसी के बारे में करूंगा, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? Yes! मेरे दोस्त, जब मैं सोचता हूं ना तो इन 4-5 सालों की रील सी मेरे आगे निकल जाती है और मैं ईश्वर को मन ही मन हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और लगता है मुझे यार मैं क्या था और इस साहेब तो अपने मुझे क्या बना दिया मेरे दोस्त, क्या बना दिया। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे और मेरे दोस्त मैं अपने पापा जी से बहुत प्यार करता था क्योंकि उनका दिल ऐसा था मेरे दोस्त, वो हमेशा हर व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के अपने पैसे से नौकरी के फार्म भरे हैं मेरे दोस्त, पता नहीं कितनी बार मुजफ्फरनगर से रुड़की से जाके अपने पैसों से किसी गरीब बच्चों के फार्म भरा करते थे, वो लोग फार्म भरते थे और हमेशा उम्मीद लगाते थे कि यार इसकी नौकरी लग जाए, इसका जीवन बदल जाए, मतलब वो नौकरी से बहुत प्यार करते थे और मुझे भी वो नौकरी में जाते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने मुझे पहले ही राय देती थी कि उन्होंने मुझे बताया कि इस जीवन में अगर सफल होना है तो नौकरी करना बहुत जरूरी है और उन्होंने बताया कि NCC ले लो। मैंने 9वीं क्लास में NCC ली, उन्होंने कहा था कि सी सर्टिफिकेट अगर आप ले लोगे तो आपकी नौकरी बड़ी आसानी से लग जाएगी। तो मेरे दोस्त, जैसा पिताजी ने कहा मैं उसके पीछे पड़ गया। पहले मुझे उसके लिए ए सर्टिफिकेट लेना पड़ा, फिर बी सर्टिफिकेट लेना पड़ा, फिर सी सर्टिफिकेट लिया। पूरे पाँच साल में मैंने सी सर्टिफिकेट लिया और सी सर्टिफिकेट लेने के बाद जब 5 साल हम किसी एक माहौल में रहते हैं तो दिमाग भी हमारा वैसा ही हो जाता है, यस और नो? मेरे दोस्त, NCC में रहते रहते फोर्स और पुलिस से प्यार होने लग गया, इस प्रोफेशन से प्यार होने लग गया और तभी सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और वहां बहुत सारी बंपर भर्तियां निकली। उन भर्तियों में मेरी उम्र तो नहीं थी लेकिन मेरे ही गांव से, मेरे ही मोहल्ले से बहुत सारे लोग तैयारी करते थे। उसी भर्ती में मेरे बड़े भाई उपेंद्र राठी जी भर्ती हुए थे मेरे दोस्त, उत्तरांचल की पहली भर्ती में। और मतलब मैं दीवानों की तरह मेहनत किसी तरीके से नौकरी लग जाए, और वो कहते हैं ना जब किसी चीज को दिल से चाहो तो ईश्वर भी हमारा कहीं ना कहीं सुन लेता है। और मेरे दोस्त, जब मेरी नौकरी लगी तो एक नहीं लगी, 3 नौकरी लगी, एक UPSC, एक आर्मी में आर्मर्ड कोर में गया था मैं, और तीसरा RPF में सिलेक्ट हुआ। तो इन तीनों में से मैंने छांट के जो नौकरी ली वो ली RPF की। RPF में नौकरी आने के बाद
मुझे लगने लगा कि यार अब लाइफ सेट हो जाएगी। हेलो, आरपीएफ में आने के बाद लगा कि अब तो जिंदगी सेट है, लेकिन आरपीएफ में भी एक लोचा हो गया। मुझे आरपीएसएफ में भेज दिया गया। क्या आरपीएसएफ में? आरपीएसएफ में मैंने बहुत ईश्वर से कामना की, दुआएं मांगी, तब जाके मेरा आरपीएफ में हुआ सन 2013 में, और 13 के बाद 14 में मेरी पोस्टिंग हुई पुरानी दिल्ली। और पुरानी दिल्ली पोस्टिंग होने के बाद जैसे नौकरी लग जाती है, आप समझ सकते हैं, नौकरी लगने के बाद आदमी लगभग लगभग सेट हो जाता है। नौकरी के बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, सारी खुशियां। धीरे धीरे मैंने एक फ्लैट ले लिया, बुलेट ले ली, कार ले ली, मतलब जो आदमी अपने दिल में चाहता है वो सारी की सारी चीजें मैं लेता जा रहा था। लेकिन उसके साथ साथ मेरे पे एक कर्ज बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो फ्लैट लिया वो मैंने कर्ज पे लिया था, 16 लाख का लोन लिया था उसके ऊपर। कितना? 16 लाख का लोन। फिर जोश जोश में एक गाड़ी ले ली, गाड़ी पे भी 3 लाख का लोन हो गया। 16,000 की किस्त उसकी जाती थी और 6627 रुपए मेरी गाड़ी की किस्त जाती थी। 45,000 रुपए मिला करते थे मेरे दोस्त, 22,500 रुपए मेरी किस्तों में जाने लग गया। और जब किस्तों में जाने लग गया तो दिन में तारे नजर आने लगे। हेलो, दिन में तारे नजर आने लगे और लगने लगा कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों की फीस कम नहीं हुई, बच्चों की फीस उतनी थी, हमारा खर्चा कोई कम नहीं हुआ, दूध जितना पी रहे थे वो भी कम नहीं हुआ, लेकिन एक एक्स्ट्रा बर्डन मेरे सिर पर आ गया। अब एक्स्ट्रा बर्डन आने के बाद मेरे दोस्त मैं ढूंढ, अब क्या किया जाए। और जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो कुछ अच्छी चीजें सामने आती है और कुछ बुरी चीजें भी आ जाती हैं। मैं ढूंढ ही रहा था मेरे दोस्त, तो मेरे को एक मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी सामने आई, पैसे की बहुत जरूरत थी और मैंने उसको ज्वाइन किया। उस समय 57,000 रुपए लगा के उसको ज्वाइन किया जाता था। यस और नो? 57,000 रुपए लगा के मैंने उसको ज्वाइन किया और कुछ दिन उसमें से पैसे आए और फिर वो कंपनी भाग गई। और भाग गई, भागने के बाद मेरे दोस्त जैसा सबको लगता है ऐसा मुझे लगा कि अब इस जीवन में कभी भी कोई बंदे जोड़ने वाली कंपनी नहीं करूंगा। यस और नो? कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी कंपनियों में फंसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, मुझे लगा कि अब मैं कभी भी सेफ शॉप या किसी प्रकार की कोई कंपनी नहीं करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि घुड़सवार ही गिरते हैं। हेलो, अरे तैरने वाले ही डूबते हैं, जो पानी में उतरेगा ही नहीं वो डूबेगा कहां से। यस और नो? मेरे दोस्त, मेरे पास सेफ शॉप का प्लान आया और सेफ शॉप का प्लान आते ही मैंने दिल से कहा, मगर नहीं मेरे दोस्त, अब मैं इस जीवन में कोई भी कंपनी नहीं करूंगा। और मैं बार बार मना करता रहा, लेकिन जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था वो बहुत ही जिद्दी थे। जानना चाहते हो कौन है? अरे कितने लोग जानना चाहते हैं? मेरे दोस्त, मुझे जो प्लान दिखाने आए थे एएसआई संजीव कुमार जी, परमजीत सर, मैं चाहूंगा इन दोनों दमदार लीडर्स के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों, इन्होंने मुझे प्लान दिखाया और प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन दिल में डर था। प्लान बहुत अच्छा लगा और मैं ढूंढ भी रहा था कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। और मेरे दोस्त, प्लान देखने के बाद कुछ दिन का फॉलोअप हुआ और मेरी बातें समझ में आ गई। समझ में आने के बाद मैंने इस बिजनेस में काम किया, बहुत तेजी से काम किया, क्योंकि जब खुद के पैसे लग जाते हैं तो अपने निकालने के चक्कर में काम करना पड़ता है। यस और नो? बहुत तेजी से मैंने काम किया और जिसकी वजह से मेरे साथ 10-20 लोग ज्वाइन हो गए, 10-20 ज्वाइन हो गए। कोई मना करता था, कोई हाँ करता था, लेकिन टीम बनती जा रही थी। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ लोग बहुत निगेटिव भी लोग मिलते हैं, क्योंकि 10-20 की टीम बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि उसमें कुछ लोग हमारे भाई होते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं,
कुछ हमारे सगे संबंधी हो जाते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं, तो 10-20 तक की टीम बड़ी आसानी से बन जाती है। यस और नो? उसके बाद चैलेंज आता है। उसके बाद जब चैलेंज आया, मैं जहां भी जाता था नो, जहां भी जिससे बात करता था, तू फंस गया है, तेरा कुछ नहीं होगा, दुनिया को मत फंसा, ऐसी ऐसी बातें मुझको बोली गई। और ऐसी ऐसी बातें बोलने की वजह से मेरी बैटरी डाउन हो गई, मुझे दिन में अंधेरा नजर आने लग गया और ऐसा लगने लगा यार यहां से उम्मीद थी और यहां नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्त, जिस समय मैं घोर निराशाओं में डूबता जा रहा था, लगातार निराश होता जा रहा था, उस समय मेरे दोस्त एंट्री होती है एक महान शख्सियत की। उस समय एंट्री होती है मेरे दोस्त, मेरे गॉड, मेरे भगवान, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरी आत्मा, मेरे सुपर हीरो श्रीमान सुधीर सर की। मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए मेरे दोस्त, जोरदार ताली हो जाए। सुधीर सर की एंट्री होती है और वो हमारे घर आ जाते हैं। हमारे घर आए और उन्होंने मुझे समझाया कि अमित राठी जी, क्या लगता है ये 10,000 रुपये कमाने आए थे क्या? मैं कहा नहीं सर, मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं और करोड़ों की आवश्यकता है मुझे। उन्होंने कहा तो फिर 10,000 रुपये कमा के रुक क्यों रहा है? मैंने कहा सर कोई आ ही नहीं रहा है, कोई जुड़ ही नहीं रहा है, सर मैं कैसे करूँगा? उन्होंने कहा कि अमित राठी जी ये बताओ, रामायण देखिए। मैं कहा सर देखिए, रामायण में आपने देखा जो राम थे अयोध्या वालों ने उनके लिए युद्ध लड़ा? मगर नहीं। किसने लड़ा, किसने लड़ा? जो उनको फील्ड में मिले, जो घर से बाहर जाने के बाद मिले। अमित राठी जी अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने लोग काम नहीं करेंगे, अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने घर को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। क्या बाहर जा सकते हो? मैंने कहा गुरु जी जा सकता हूं, इस कामयाबी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपने माता पिता के सपनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं घर क्या पूरा दिल्ली छोड़ सकता हूं, पूरा स्टेट छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे कामयाब होना है। गुरुजी ने कहा तो फिर सामान पैक करो। जिस प्रकार राम जी को उनके कोर लीडर्स जंगल में मिले थे, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो सुग्रीव जी हो, चाहे वो अंगद हो, चाहे वो जामवंत जी हो, वो सारे के सारे कोर लीडर्स कहां मिले? जंगल में। राठी जी आपको भी अगर कोर लीडर्स चाहिए तो आपको भी शहर छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं तैयार हूं। और दोस्त, मैंने अपना बैग पैक किया और 5 दिन की छुट्टी लेके मैं सीधा मेरे बड़े भाई उपेंद्र राठी जी ज्वाइन हुए थे उनके शहर में काशीपुर के लिए रवाना हो गया विद फैमिली, 5 दिन की छुट्टी लेके। मैंने वहां काम किया, 10-20 ज्वाइनिंग लगवाई, 10-5 ज्वाइनिंग लगी और मैं वापिस आ गया। गुरुजी ने कहा कि बस जोश ठंडा हो गया, बस इतना ही गुर्दा था। मैंने कहा सर बताओ तो सही करना क्या है? बोला ऐसे काम नहीं होता है, कमिटमेंट से काम होता है, जाओ और कमिटमेंट करके आओ, पूरा करके दिखाओ। मेरे दोस्त, आपको कभी ना कभी वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। गुरुजी ने मुझसे कमिटमेंट लिया कि तुम्हारी 12 दिन की छुट्टी है और 12 दिन में तुम काशीपुर जा रहे हो, कितनी सेल लगा के दिखाओगे? मैंने कहा सर मैं काम करने वाला हूं, टारगेट आप बताओ, करके मैं दिखाऊंगा। सर ने कहा कि 15 सेल निकाल सकते हो 12 दिन में। मैंने कहा सर 25 सेल निकाल के दिखाऊंगा, 25 सेल निकाल के दिखाऊंगा 12 दिन में। और दोस्तों चला गया मैं काशीपुर। काशीपुर में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी और मेहनत करी, प्रयास किया। और उसमें मेरे उस साथ मेरे बड़े भाई उपेंद्र राठी जी बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करते थे, लगातार ड्यूटी छोड़ छोड़ के वो मेरा साथ देते थे। और मेरे दोस्त 11 दिन में 24 सेल लगाई, कितनी? 11 दिन में 24 सेल लगाई। और जिस दिन मुझे आना था केवल एक दिन बाकी था उसमें और एक सेल की कमी थी और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमेशा कर्म पे विश्वास किया है। और उस दिन मैं बिल्कुल दिल से लेके चला घर से
कि आज चाहे कुछ भी हो जाए एक सेल लगा के दिखाऊंगा। और मेरे दोस्त उस दिन मैंने सारा दिन काम किया, उस दिन एक सेल नहीं आई। उस दिन मेरे दोस्त जानना चाहते हो कितनी सेल आई? अरे जानना चाहते हो? मेरे दोस्त उस दिन सिंगल डे में 8 सेल आई, 8 सेल आई और टोटल सेल हो गई 32। 32 सेल लेके आया था। और जब मैं दिल्ली उतरा तो गुरुजी ग्रुप मीटिंग कर रहे थे कश्मीरी गेट में, एक छोटा सा रूम था उसमें ग्रुप मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे वहीं बुला लिया और उन्होंने मुझे सम्मानित किया मेरे दोस्तों के सामने, मेरे जो टीम वाले थे उनके सामने। और उस दिन मुझे बड़ा प्राउड लगा, उस दिन मुझे लगा यार नहीं, अगर कमिटमेंट किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है, यस और नो? और गुरुजी ने मुझे उस दिन एक पेन गिफ्ट दिया था। क्या दिया था? पेन, पेन गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे, एक पार्कर कंपनी का, काले कलर का। मेरे दोस्त बहुत सारे लोगों को लग सकता है यार 32 सेल के बाद सिर्फ एक पेन, सिर्फ एक पेन। मेरे दोस्त गिफ्ट कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, गिफ्ट गिफ्ट होता है, यस और नो? लोग सोच सकते थे यार सिर्फ एक पेन दिया, लेकिन उस पेन को मैंने मेरे दोस्त हथियार बना दिया। उसी पेन को फील्ड में चला चला के, चला चला के, चला चला के अपने मेरे दोस्त डायमंड शिप तक का सफर तय कर दिया मेरे दोस्त, उसी पेन से, उसी पेन की वजह से। क्या आप पेन चलाने के लिए तैयार हैं? पेन चलाने के लिए तैयार हैं? मैं दोस्त संघर्ष से मैं कभी घबराया नहीं हूं। काशीपुर में गया मैं, सुबह के टाइम घर से निकलता था और शाम तक जितने भी प्लान होते थे, पुलिस वाले ज्यादा लोग होते थे वहां, सुबह की शिफ्ट वाले वो मिल जाते थे, दोपहर को कभी खाने खाने घर नहीं गया, दूसरी शिफ्ट वालों को पकड़ता था, दूसरी शिफ्ट वाले जब चले जाते थे नाइट वालों को पकड़ता था। 12-12 बजे, 1-1 बजे मैं घर पहुंचता था मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि दिमाग में भूत सवार था। क्या आपके दिमाग में भूत सवार है? क्या डायमंड बनना चाहते हैं? मेरे दोस्त दिन रात मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके उपेंद्र राठी जी का काम बढ़वाया उधर से, लेकिन इधर से जब मैं उपेंद्र राठी जी की तरफ जाता था तो सुदेश कुमार जी कई बार नाराज हो जाते थे, कई बार नाराज हो जाते थे, सर आप तो उधर ही हैं? आता था उनको सीने से लगाता था और दिल से कहता था मेरे दोस्त मैं तेरे साथ हूं। फिर उनके साथ लेके शामली में गया, शामली में जाने के बाद लगातार मेहनत करी, वहां मुझे मेरचंद जी मिले, वहां सुधीर वर्मा जी मिले, वहां डॉक्टर अनिल साहब मिले, मनोज जी जैसे बहुत सारे साथी मिले, उनके साथ काम किया। लोग कहते थे वहां टीम नहीं बनेगी, मेरे दोस्त उसी शहर में 850 लोगों की टीम बना के दिखा सामने में। काम तो होता है मेरे दोस्त, करने वाला चाहिए। क्या आप लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हैं? हमेशा विरोध होता है, जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उसका विरोध होता है। लोग मजाक उड़ाते थे, लोग विरोध करते थे, लोग पैर पकड़ के खींचते थे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं होते थे लेकिन वो विरोध करते थे। ज्वाइन तो उनको होना ही नहीं था लेकिन वो सोचते थे कि किसी तरह ये भी रुक जाए, ये भी रुक जाए। मेरे दोस्त उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात आती, जानना चाहोगे? झुक झुक कर खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मेरे दोस्त जिसके दिमाग में डायमंड शिप होती है ना, वो किसी के रोके रुकते नहीं है। दीवानापन होता है अंदर। क्या आप लोगों के अंदर दीवानापन है? क्या दीवानापन है? क्या अपने आप को झोंक सकते हैं? झोंक सकते हैं? काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लगातार गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा था, लगातार बढ़िया सुदेश जी की साइड काम हुआ, बढ़िया शामली में काम हुआ, बढ़िया लक्सर में काम हुआ, बढ़िया काशीपुर में काम हुआ, जसपुर में काम हुआ। इसकी वजह से मेरे दोस्त केवल 2 साल में, केवल 2 साल में
मैं टॉप आज बन गया था मेरे भाई, 2 साल में 22/12/2019 में मैं टॉप आज बन गया था। लेकिन फिर मेरे दोस्त, मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे तोड़ के रख दिया, जिसने मुझे तोड़ के रख दिया मेरे दोस्त। और मैं बताना चाहता हूं, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग बहाने बना देते हैं। आज भी डायमंड शिप में बहुत सारे लोग आए होंगे और बहुत सारे लोगों ने बहाना बना दिया होगा, या सुन लो, बहाना बना देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और उनको कैंसर था, और कैंसर था मेरे दोस्त, मुझे उनकी हालत पता था। ये समझ लो कि वो अपने अंतिम अंतिम टाइम में चल रहे थे, अंतिम टाइम में चल रहे थे मेरे दोस्त। और उस समय एक दिन सुदेश जी का मेरे पास फोन आया कि गुरुजी, आपने काशीपुर वालों को टाइम दिया है, मुझको भी टाइम चाहिए। मैंने कहा बताओ कब आना है। उन्होंने कहा सर एक फ्राइडे की ट्रेनिंग चाहिए और एक संडे का सेमिनार चाहिए आपसे। मेरे दोस्त, मुझे मेरे पिताजी की हालत पता था, बहुत ज्यादा बीमार थे, अंत समय चल रहा था उनका। लेकिन मैंने कभी कभी मेरे दोस्त मेरे सपनों के आगे अपने परिवार को आने नहीं दिया, अपने परिवार को आने नहीं दिया मेरे दोस्त। मैंने गाड़ी उठाई और अपने भाई को कहा कि आप पिताजी को देखना, अगर कोई बात होती है तो मुझे बताओ। और मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग देने के लिए रेवाड़ी निकल गया मेरे दोस्त। रेवाड़ी में मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग दी, शनिवार को मैंने कुछ काउंसलिंग की, कुछ लोगों से मिला, और महेंद्रगढ़ में संडे का सेमिनार चल रहा था, संडे का सेमिनार चल रहा था। और मेरे पास फोन आया, मेरी क्लोजिंग होने वाली थी, और मेरे पास फोन आता है कि अमित राठी जी, आपके पिताजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, आपके पिताजी आपकी आखिरी सांसें ले रहे हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ऐसा लगा जैसे जमीन निकल गई मेरे पैरों के नीचे से। फिर भी मैंने वो क्लोजिंग करी, और क्लोजिंग करने के बाद सुदेश जी को बताया कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, अब मैं जा रहा हूं। और मेरे दोस्त, मैं वहां से गाड़ी लेके आया, बहुत तेज उस दिन मैं आया, और मैंने घर देखा आके, मेरे दोस्त मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। मैं रात को 8 बजे पहुंचा था घर, और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इन्हीं हाथों में रात को 9:35 पे आखिरी सांस ली थी उन्होंने। अपने हाथों से उनके गले में गंगाजल डाला था मैंने। उसके बाद लगा, यार क्यों कर रहा हूं मैं सेफ सोप, और टूट गया मैं मेरे दोस्त। ऐसा लगने लगा सब खत्म हो गया। फिर मैंने बताया ना, हर गलत टाइम पे मेरे सुपर हीरो काम आते हैं, मेरे एंट्री हो जाती है इनकी सर की। सर का फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा क्या हो गया राठी जी? मां सर ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने कहा देखो, जितनी बड़ी तकलीफें होती हैं उतने बड़े अचीवमेंट भी होते हैं। उन्होंने मुझे उदाहरण दिया कि 17 साल की उम्र में विराट कोहली यही फिरोजशाह कोटला में खेल रहा था रणजी मैच, और 40 रन बना के जब इनिंग समाप्त हुई तो घर से खबर आई कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पास दो ऑप्शन थे,
या तो वो अपने घर जाए, उनका अंतिम संस्कार करे और सारे काम करे, या फिर वो अपने अपने मेरे दोस्त देश के लिए, अपनी टीम के लिए खेले। यस और नो? और अगले दिन विराट कोहली घर नहीं गए, वो अपने टीम के लिए खेले और 90 रन नाबाद बना के अपनी टीम को हार से बचाया। और मेरे दोस्त, सर ने बताया कि आज तेरे पास ऑप्शन है, चाहे तो इसी निराशा में चला जा और चाहे तो तेरे परिवार में शामली में 17 जनवरी का फंक्शन है, उसकी तैयारियों में लग जा। मेरे दोस्त, 16 तारीख को अपने पिताजी के फूल गंगा में चलाने के बाद सीधा मैं काशीपुर चला गया, शामली चला गया था, और शामली में जाने के बाद उस प्रोग्राम का हिस्सा बना। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने अपनी टीम को कभी टीम नहीं माना मेरे दोस्त, अपना परिवार मानना है, हमेशा अपना परिवार मानना है। और मुझे लगा यार, अगर एक परिवार में दुख है तो एक परिवार में खुशियां भी हैं। ये परिवार भी मेरा है और वो परिवार भी मेरा है, इसकी जिम्मेदारी भी निभानी है और जिम्मेदारी उसकी भी निभानी है। मेरे दोस्त, 17 तारीख को टोपाज का सम्मान लिया था मेरे दोस्त, 17 तारीख को टोपाज का सम्मान लिया और दोबारा ऐसे लग गया। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, दिमाग में एक बात थी कि अभी तो बहुत लोगों को झूठा करके दिखाना है। मेरे दोस्त, जो मेरी हार का इंतजार कर रहे हैं उनको इंतजार करते रह जाएंगे, ऐसा काम करके दिखाना है मेरे दोस्त। और दोबारा से मैंने अपनी ऊर्जा इकट्ठे करी और लग गया मेरे दोस्त अपने काम पे। संघर्ष बहुत आए, फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद ही लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आया, फिर दूसरा लॉकडाउन आ गया, टीम बिखरने लगी। लेकिन मेरे दोस्त, जिसके सपने बड़े होते हैं ना, जिसके सपने बड़े होते हैं, वो कितनी बार भी मेहनत करनी पड़े मेरे दोस्त, वो कर चलाता है। यस और नो? वो कर जाता है मेरे दोस्त। मेहनत करता रहा, प्रयास करता रहा, लगातार काम करता रहा, लगातार लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, लोग ताने कसते थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि सेफ शॉप वाले हैं, हेलो, ये सेफ शॉप वाले हैं, साइकिल पे आते हैं और BMW का सपना दिखाते हैं। यस और नो? मेरे दोस्त, वो लोग आज नजर नहीं आते, ये वही सेफ शॉप है, ये वही फील्ड है और ये वही अमित राठिया मेरे दोस्त, सपना भी दिखाते हैं और BMW लेके भी दिखाते हैं। मेरे दोस्त, BMW लेके भी दिखाते हैं। क्या आप लोग लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? कितने लोग लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? सपना है आपका? मेरे दोस्त, गुरुजी ने बताया कि अमित राठी जी, आपको हमेशा ऊपर वालों की सलाह लेते रहना है, ऊपर वालों की सलाह लेते रहना है। सर ने हरिनारायण सर के बारे में बताया और एक बार हरिनारायण सर के साथ मुझे एक ट्रिप पे जाने का मौका मिला। ट्रिप बोले तो दिल्ली से लेके काशीपुर तक, क्योंकि सर ने मुझे समय दिया था कोर ट्रेनिंग के लिए समय दिया था। और उस ट्रिप में मैंने सर से पूछा, सर मुझे बहुत स्पीड से डायमंड बनाना है, आप मुझे रास्ता बताओ, करने के लिए मैं तैयार हूँ, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, लेकिन आप मुझे रास्ता बताओ। तो जानना चाहते हो सर ने क्या बताया? अरे जानना चाहते हो? सर ने मुझे दो चीजें बताई, अमित राठी जी, अगर आपको बहुत तेजी से डायमंड बनना है, कंपनी आपके लेवल पे हमेशा 3 महीने में एक टारगेट देती है, हमेशा 3 महीने में एक टारगेट देती है, अपने लेवल पे करते करना बहुत बड़ा काम हो जाए। और मेरे दोस्त, वो टारगेट हालांकि मेरा नहीं हुआ था, उस बार उपेंद्र राठी जगह हुआ था, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 10 टारगेट सेफ शॉप के किए थे मैंने मेरे दोस्त, 10 टारगेट, जिसमें 2 टारगेट गोवा के थे और 7 टारगेट थाईलैंड के थे और 1 लैपटॉप का था मेरे दोस्त। 10 टारगेट बैक टू बैक किए थे। क्या आप लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? दूसरा फार्मूला बताया था सर ने कि अगर आप अकेले मेहनत करोगे तो हजारों में कमाओगे, अगर आप लीडरों की फौज बनाएंगे तो लाखों में कमाएंगे। बताओ, हजारों में कमाना चाहते हो या लाखों में? हजारों में या लाखों में? मेरे दोस्त, मैंने भी कहा लाखों में,
और सर ने एक फार्मूला बताया कि अमित राठी जी अपनी टीम में कोर ट्रेनिंग का आंदोलन बना दो, कोर ट्रेनिंग का आंदोलन बना दो, जितनी कोर ट्रेनिंग कर सकते हो उतनी कोर ट्रेनिंग करो। और मेरे दोस्त उस दिन के बाद कोर ट्रेनिंग को आंदोलन बना दिया, कोर ट्रेनिंग को आंदोलन बना दिया। एक महीने में 5-5 कोर ट्रेनिंग करके आता था मेरे दोस्त, एक महीने में 5-5 कोर ट्रेनिंग करके आता था। और एक और फार्मूला दिया था सर ने कि अगर यहां आप किसी को लीडर बनाना चाहेंगे तो वो लीडर नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उस शहर में सिस्टम खड़ा कर दोगे तो लीडरों की फौज बन जाएगी। मेरे दोस्त इनकी बात समझ में आ गई। सिल्वर लेवल पे दो वेन्यू चलते थे मेरे, एक काशीपुर में और एक दिल्ली में, नहीं शामली में, एक शामली में और एक काशीपुर में। फिर उसके बाद आगे बढ़ा गोल्ड लेवल पे इन्हीं दो को 4 में कन्वर्ट किया, एक लक्सर, एक काशीपुर, एक शामली और एक रेवाड़ी, और इसी को लगातार बढ़ाता जा रहा हूं मेरे दोस्त। अब मेरे 14 वेन्यू चलते हैं, हेलो 14 वेन्यू चलते हैं, और उन्हीं वेन्यू के दम पे मेरे दोस्त आज लीडरों की फौज तैयार हो गया। ये देखो एक से एक दमदार बब्बर शेर इस हॉल में खड़े हैं, तो वो मेरी वजह से नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है। यस और नो? सिस्टम की वजह से है मेरे दोस्त, कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी सफलता की बात हो और रेवाड़ी का नाम ना आए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। दोस्तों सुदेश जी की एक लाइन बहुत बढ़िया चल रही थी, शामली में बहुत लट गाड़ के काम चल रहा था जबरदस्त, लेकिन दूसरी साइड में कोई नहीं था। 14 आईडी थी, सिल्वर बनना सपना बन गया था इनका। इन्होंने कहा सर मैं यहां सिल्वर बन भी नहीं रहूंगा क्या, मैं इतना कम मेहनत करता हूं क्या जो मैं सिल्वर भी नहीं बन पा रहा। मेरे दोस्त इनको पकड़ के रेवाड़ी में काम किया, और रेवाड़ी में जब मैं जाता था तो सुदेश जी हमेशा एक बात बोलते थे, सर ये जो रेवाड़ी है ना सर, ये वीरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है सर, अगर यहां एक बार आग लग गई तो लीडरों की फौज खड़ी हो जाएगी सर, फौज खड़ी हो जाएगी, यहां वीरों की भूमि है। और मेरे दोस्त इन्होंने मुझे सबसे पहले ले गए एक कपिल राव जी।